अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी हिमल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। डॉक्टरांमध्ये सुद्धा एक संवेदनशील माणूस असतो, हे जळगाव येथील एपेक्स हॉस्पिटलचे डायरेक्टर डॉक्टर चरण सिंग चौहान यांनी एका रुग्णाचे 2 लाखाचे पूर्ण बिल माफ करून दाखवून दिले आहे। तर माणुसकीपेक्षा कोणताही धर्म मोठा नाही हे या रुग्णाला सहकार्य करणारे जामनेरचे मानव अधिकार कार्यकर्ते अशफाक पटेल यांनी सुद्धा त्यांच्या योगदानाद्वारे दाखवून दिले आहे। बोधवड येथील गरीब शेतकरी कृष्णा चौधरी यांची तब्येत महिनाभरापूर्वी अचानक खालावली असता त्यांना जळगाव येथील जिल्हा रुग्णालयात गंभीर अवस्थेमध्ये दाखल करण्यात आले होते। परंतु या ठिकाणी व्हेंटिलेटर सुविधा नसल्याने त्यांना एफएक्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। त्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने या रुग्णालयाचा खर्च त्यांना पेलवणारा नव्हता। परंतु या ठिकाणी व्हेंटिलेटर सुविधा नसल्याने त्यांना एफएक्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। त्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने या रुग्णालयाचा खर्च त्यांना पेलवणारा नव्हता। परंतु या रुग्णालयाचे डायरेक्टर चरण सिंग चौहान यांनी यांना दाखल करून घेतले। या रुग्णालयात डॉक्टर चेतन चौहान यांनी या रुग्णावर अतिदक्षता विभागात सुमारे 22 दिवस उपचार करून त्यांचे प्राण वाचवले। एवढेच नाही तर रुग्णाची गरिबीची परिस्थिती पाहून त्यांचे संपूर्ण 2 लाखाचे बिल सुद्धा माफ केले आहे। दुनिया में इंसानियत आज भी जिंदा है। हमारे पास इस वक्त मौजूद है कृष्णा उल्लास चौहान, जो आज से 1 महीना पहले एपेक्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इन्होंने एकदम डेड कंडीशन में पेशेंट को यहाँ लाया गया था और 1 महीना जो है तो इसको आईसीयू और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर रख करके उसका ट्रीटमेंट यहाँ हॉस्पिटल ने किया। इंसानियत जिंदा है, ये कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर चरण सिंह चौहान साहब ने पेशेंट की गिरती हुई हालत और उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए जो है तो उसका करीब करीब 2 लाख रुपए का बिल अपनी तरफ से माफ किया। इसलिए आज जो पेशेंट की हालत है, इस पेशेंट की हालत को देख करके मैं आज ये कहने पर मौजूद हूँ, मजबूर हूँ कि दुनिया में इंसानियत जिंदा है। और जो लोगों में गलत मैसेज है कि डॉक्टर्स जो है तो बहुत ज्यादा बेरहम होते हैं और इनकी अपनी बेरहमी के चलते वो पेशेंट और उसके रेस्पॉन्सिबल जो लोग हैं, उसके जो नातेवाईक है, उनके साथ में गलत व्यवहार करते हैं और उन्हें लूटते हैं, तो शायद ये बात हर जगह सही नहीं। इस वक्त में पेशेंट जब हमारे यहाँ पर लाया गया था तो वो आईसीयू में था और 90% इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी से रिकवर कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो है तो चरण सिंह चौहान डॉक्टर और उनकी पूरी टीम ने और चेतन चौहान जो दूसरे डॉक्टर है, जो इनके डायरेक्ट ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर थे, कंसल्टेंट थे, उन्होंने पैसों की परवाह न करते हुए पेशेंट का पूरी जान जापेशानी से पूरी हिम्मत के साथ जो है तो इलाज किया और उस इलाज में जो है तो पेशेंट ने भी अपने वक्त पर रिस्पॉन्स दिया और आज पेशेंट हमारे पास सही सलामत मौजूद है। उसकी आज छुट्टी हो रही है। तो मैं डॉक्टर और एपेक्स हॉस्पिटल की पूरी टीम और उस हॉस्पिटल को सपोर्ट करने वाली पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसका सही बदला उनको मिले और समाज में भी लोगों के पास जो डॉक्टरों के कई एक गलत फहमी, एक इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो पाया जाता है, तो मैं ऐसे लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर्स को हमेशा अपनी तरफ से कोऑपरेट करें। उनमें भी एक इंसान जिंदा होता है, हालात और वाकयात को देख करके जो है तो अपना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जो है तो हमेशा डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करें। और मैं और पेशेंट और पेशेंट के जो पिताजी यहाँ पर है और उनके दूसरे नातेवाईक, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। पुनः भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।